हेलो नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही। अतिथि शिक्षण संघ की जिला अध्यक्ष है, इनने नियमितीकरण की मांग को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात की थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने इनको आश्वासन दिया है और अतिथि विद्वानों की मांगों को रखा गया। जल्द से जल्द अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष से, पूरी विस्तार जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और दो वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाएंगे। एक अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, एक अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला आपसे? एक्चुअली हम लोग 1 बजे से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। बड़े लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ से जलसा निकला तो उन्होंने हमें देख के गाड़ी रोकी। फिर हम जब वहाँ गए तब उन्होंने बोला कि आप क्या है, तो मैंने बोला कि लाडली बहना निकले। हाँ, मैं अपनी लाडली बहना को विश्वास दिलाता हूँ कि अतिथि शिक्षकों का मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूँ। तो फिर मैंने भूखे के लिए भी फिर से रोका, तो भूखे के लिए फिर उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर मैंने बोला कि सर आप हमें वचन दे दीजिए। तो हाँ मैं वचन दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आप हमें वचन दे दीजिए, हम आपको वचन देते हैं कि अब की बार शिवराज सर। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब मुझ पर विश्वास रखो, मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूँ। आपका नाम दीदी? मेरा नाम वर्षा शर्मा है, मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक हूँ इकोनॉमिक्स के। जिला राजधानी। गुहार लगाना चाहते हैं कि आप जो तत्कालीन विपक्ष में रहते हो उस समय कमलनाथ सरकार को विभिन्न सलाह दे रहे थे और रास्ते बता रहे थे, तो आज आप सत्ता पक्ष में हैं और 3.5 साल हो रहे हैं सीएम बने हुए, तो उन रास्तों पे चल के आप हमें नियमितीकरण दीजिए और 65 वर्ष तक हमारा भविष्य सुरक्षित करिए। आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और सभी वर्गों को कुछ ना कुछ आप सौगातों की बौछार कर रहे हैं। तो हम आप विभिन्न लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना चला रहे हैं, तो हम भी हैं लाडली बहना मध्य प्रदेश की और हम अपने प्रिय भाई शिवराज सिंह चौहान से ये गुहार लगाते हैं और निवेदन करते हैं। निवेदन पूर्वक हमारा ये आग्रह है कि आप हम भी हैं आपके मध्य प्रदेश की आपकी प्रिय लाडली बहना, तो हमारे लिए भी 65 वर्ष तक हमारा भविष्य सुरक्षित करते हुए हमको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर दें और हमारे लिए भी कुछ उपहार दें। और सब ये पवित्र सावन का महीना चल रहा है तो हम भी इस आशा में हैं कि आप हमारे लिए भी भविष्य सुरक्षित करके हमको नियमितीकरण का तोहफा दीजिए और 65 वर्ष तक हमारा भविष्य सुरक्षित करिए। धन्यवाद।